महिलाओं का चुनाव लड़ना इस्लाम के खिलाफ, गुजरात में शाही इमाम के बयान पर बवाल। गुजरात में दूसरे चरण के मतदान से एक दिन पहले अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम के बयान पर विवाद हो गया है। शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने चुनाव में महिलाओं को टिकट देने पर विरोध जताया है। उन्हें महिलाओं के चुनाव लड़ने को इस्लाम के खिलाफ बताया है। एनआई से बातचीत में सिद्दीकी ने कहा, जो कोई भी औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बगावत करते हैं। इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। मर्द नहीं है क्या आप औरतों को ला रहे हैं? इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। शाही इमाम ने औरतों को चुनाव ना लड़ने के पीछे कई कारण गिनवाए। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि औरतें अगर चुनाव लड़ेंगी तो प्रचार करने जाना पड़ेगा, जो कि गलत है। उन्होंने कहा, इलेक्शन लड़ने के लिए घर घर जाना पड़ेगा, हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो सबके पास जाना पड़ेगा, और इस्लाम में औरत की आवाज़ भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। चुनाव लड़ना है तो आप मर्द को टिकट दीजिए ना। सिद्दीकी ने इसके बाद मस्जिद में महिलाओं को नहीं जाने की इजाज़त का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि जब मस्जिद नहीं जा सकती तो चुनाव कैसे लड़ेंगी। सिद्दीकी ने कहा, आपको एक बात बताऊं, आपने अभी देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत नमाज को है, तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना जायज होता तो उनको मस्जिद से रोका जाता। उन्होंने कहा कि मस्जिद से रोक दिया गया क्योंकि औरत का इस्लाम में एक मकाम है। अब जाहिर बात है, अगर आप अपनी औरतों को MLA काउंसलर बनाएंगे बिना मजबूरी के तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे, ये मसला नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि हुकूमत कहेगी कि आपकी औरतें तो अब असेंबली और पार्लियामेंट में आ रही हैं, म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड में जाकर बैठ रही है, स्टेज पर अपील कर रही है, इसलिए मैं इसका सख्त विरोधी हूँ। शाही इमाम के बयान पर जनता ने भी प्रतिक्रिया दी है। तहसीन पूनावाला ने ट्वीट किया, मैं अपने मुस्लिम साथी नागरिकों से शाही इमाम द्वारा उठाए गए बिल्कुल प्रतिगामी रुख का खुले तौर पर विरोध करने का आग्रह करता हूँ। समुदाय को इसे कॉल करने की आवश्यकता है। मुझे परिणामों की परवाह नहीं है, लेकिन ये शाही इमाम जो बोल रहा है वो इस्लाम के अनुरूप नहीं बल्कि पूरी तरह फर्जी तर्क है। पत्रकार संजुक्ता बासु ने लिखा, ये मौलवी मौलाना मुस्लिम जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं और रूढ़िवादिता पैदा करते हैं। ट्विटर पर अन्य संभ्रांत मुसलमान जैसे बड़े शॉर्ट पत्रकार मौलानाओं के खिलाफ एक शब्द नहीं कहते हैं, लेकिन मेरे विचारों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं। पॉलिटिकल इस्लाम इसी तरह काम करता है। मीम नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, पत्रकार ने धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक चुनाव के लिए धार्मिक प्रश्न क्यों पूछा? इमाम साहब साफ तौर पर कहते दिख रहे हैं कि देखिए इस्लाम की बात अगर आपने लाई है। पिंकी राजपूत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, मैं इनकी बात का समर्थन करती हूँ। उन्होंने सही कहा, उनकी कुछ महिलाएं अपने धर्म के खिलाफ क्यों जा रही हैं? उन्हें सख्ती से नियमों का पालन करना चाहिए और मुस्लिम महिलाओं के बजाय हिंदू व सिख महिलाओं को टिकट दे। बता दें, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर को हो चुकी है, दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा। 8 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। आप अहमदाबाद की जामा मस्जिद के शाही इमाम के बयान को कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।